क्लास 12 फिजिक्स ध्यान रखिएगा। आज हम पृथ्वी के भूचुंबक को समझा रहे हैं। पृथ्वी में चुंबक है, ये सब जानते हैं तो है, इसका बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन नहीं है। फिर भी हम पृथ्वी के किसी भी स्थान पर इसके घटकों को कैलकुलेट करते हैं, यानी जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो कौन कौन से घटक चुंबकीय क्षेत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये घटक मेरे पास तीन है, ठीक। तो पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करने के लिए हम तीन चीजों को लेके चलते हैं, उनको हम क्या करते हैं, भूचुंबकीय घटक बोल देते हैं या भूचुंबक के अवयव बोल देते हैं। तो ये तीन है, दिक्पात का कोण, नति का कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। एक वर्ड होता है चुंबकीय अक्ष, ठीक, जहाँ पर चुंबक का नॉर्थ और साउथ पोल जाता है। एक होता भौगोलिक अक्ष, जहाँ पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर और दक्षिण ध्रुव जाता है, ठीक। यानी हमारे पास क्या हो गया, चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक लंबाई चुंबकीय अक्ष हो गई, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली लाइन भौगोलिक अक्ष हो गई। इसके लंबवत अगर अपन एक कल्पना कर लें कोई समतल का या प्लेन का, तो उसको हम यामोत्तर बोलते हैं। तो मान लो ये पृथ्वी का चुंबक का अक्ष है और इसके लंबवत एक अक्ष जा रहा है, तो इस अक्ष को हम चुंबकीय यामोत्तर बोलते हैं। और इसी के लंबवत अगर एक अक्ष, एक और समतल ले लें जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के लंबवत जाता है, तो उसको भौगोलिक यामोत्तर बोल देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर चुंबक और भौगोलिक यामोत्तर बनाया हुआ। ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय यामोत्तर यहाँ पर एक दूसरे के साथ जनरली मिलते नहीं है, ठीक। हमारे पास अलग अलग होते हैं। तो मान लीजिए इधर पर पृथ्वी के चुंबक का चुंबकीय यामोत्तर जा रहा है, यहाँ पर पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के लंबवत एक प्लेन जिसको भौगोलिक यामोत्तर बोलते हैं ये यहाँ पे जा रहा है, तो किसी भी स्थान पर इन दोनों प्लेनों के बीच का कोण मेरे पास क्या कहलाता है, दिक्पात का कोण कहलाता है। तो किसी भी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के मध्य का न्यून कोण दिक्पात का कोण कहलाता है। यहां पर मैंने वो तो देखिए चुंबकीय सुई लगाई हुई है, चुंबकीय सुई यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मान लो इधर पर प्रदर्शित करे, तो यह चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाती है उसको मैं क्या बोल देता हूं, नति का कोण बोल देता हूं। और आप ध्यान रखिएगा अगर ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई से शो करता हूं, तो यहां पर चुंबक के दो घटक आ जाते हैं, एक हो जाता है वी लंबवत घटक, इसको हम क्या बोल देते हैं, आई साइन थीटा बोल देते हैं, और यहाँ पर H इक्वल टू I cos थीटा के मान के बराबर होता है, ठीक है। I क्या हो गया, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लेता हूँ, I बराबर पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय तीव्रता यहाँ पर इतनी निकल आती है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर तीन चीजें हो रही है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण दिक्पात का कोण कहला रहा है, चुंबकीय सुई कहीं पर यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है, तो ये क्षैतिज के साथ जो कोण बना रही है उसको हम नति का कोण बोल रहे हैं, और इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के दो घटक ले रहे हैं, एक क्षैतिज घटक एच कॉस थीटा और एक ऊर्ध्वाधर घटक साइन थीटा। अब हमारे ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र का घटक कार्य करता है वो क्षैतिज घटक कहलाता है, इसी को मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ।
तो देखिए नती का कोण चुंबकीय सुई स्वतंत्रता अवस्था में क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसको नती का कोण बोलते हैं, और हमारे ऊपर जो घटक कार्य करता है वो क्षैतिज घटक का कहलाता है। देखिए हमारे पास क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वा यहाँ पर एच हो गया आई साइन थीटा, और क्षैतिज घटक एच इक्वल टू आई कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। इनके बीच में संबंध देख लीजिए, अगर मैं ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दूं ये हो जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये कितने के बराबर हो गया, एक के बराबर, इसलिए एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कितने के बराबर हो गया आई स्क्वायर, इसलिए आई बराबर कितने के आ जाता है वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के मान के बराबर हो जाता। दूसरा क्या हो गया, नंबर वन, और इसको टू कर दो, वन को डिवाइड करो टू से, तो वी अपॉन एच इक्वल टू आई साइन थीटा अपॉन आई कॉस थीटा हो गया, आई आई कैंसिल, इसलिए टेन थीटा इक्वल टू वी अपॉन एच के मान के बराबर होता है, ये रिजल्ट है, ठीक है। सारे बच्चे इसको नोट करेंगे, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जनरली आ जाता है, ठीक है, ओके, मैं नोट कर लूँगा।